नमस्कार, प्रस्तुत है इस महीने के मुख्य समाचार। देश के प्रधानमंत्री हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के लिए नागालैंड पहुंचे। अपने भाषण में उन्होंने राज्य के विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव का जिक्र किया और उसकी प्रशंसा की। बताया जा रहा है कि उत्सव का नाम सुनकर ट्विटर प्रांत में बसने वाली उनकी इंसल सेना नागालैंड की टिकट बुक करवाने की दौड़ में एक दूसरे पर लुढ़कती पाई गई, मगर उनकी खुशी से जलने वाले लेफ्टिस्ट लिब्रांडो ने उत्सव का नाम बदलकर हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रख दिया और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर दूरदर्शन से हुई बातचीत में इंसल देवता मालपुए ने इन आरोपों का खंडन किया है कि वे हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम सुनकर संभोग संभावना की तलाश में नागालैंड जा रहे थे और बताया कि वास्तव में वहां जाना उत्सव का नाम हॉर्नबिल की जगह बुलबुल फेस्टिवल रखवाने की मांग करना था। स्कूल के निब्बा निब्बी के रिश्ते में पास की जाने वाली चिट की तरह देश की सरकार अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में जांचकर्ताओं का नाम सौंपना चाहती थी, मगर ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने ये चिट्ठी लेने से मना कर दिया। जवाबी कार्रवाई में देश के सभी मुगल नामधारी शहरों का पुनः नामकरण चाहने वाले सरकार के साइकिक अश्विनी उपाध्याय ने अपने दोस्त की बेइज्जती पर अपने सेंट्रो की सभी दरवाजे खोलकर फुल वॉल्यूम में ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी गाना बजाया। कोर्ट ने अश्विनी के किसी भी बात का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए कनेडियन कुमार की पिछली 7 मूवीज देखने की सजा सुनाई। दिसंबर 2022 में अदानी एंटरप्राइजेस में देश का पैसा झोंक कर 50,000 करोड़ के फायदे से फरवरी 2023 में 3,000 करोड़ के घाटे का सफर तय करते करते LIC के फड़फड़ाते दिए में तेल डालने के लिए आज जनता का तेल निकालने की शुरुआत की गई। घरेलू कुकिंग गैस की कीमतों में 50 रुपए की और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपए की वृद्धि की घोषणा आते ही राजकुमारी सिलेंडरेला के स्लीपिंग ब्यूटी बनने की खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार येल डिग्री धारी द्वारा माइनॉरिटी छात्रों के स्कॉलरशिप का पैसा हजम करके स्लीपिंग वीरानी की नींद में काफी सुधार देखने को मिला है और ये नींद कैम्ब्रिज में विजिटिंग फेलो के तौर पर गए राहुल गांधी के किसी विवादित बयान पर नाक के नथनों के साथ ही खुलेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में शराब लाइसेंस स्कैम में CBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार देश के हजारों करोड़ फर्जी कंपनियों में लगाने वाले गौतम अदानी से पूछताछ करने निकले CBI और ED रास्ता भटककर सिसोदिया के घर पहुंचे और वहां चाय पानी न मिलने पर यह कदम उठाया गया। बताया जा रहा है कि रंग जमाने के लिए बैठे ED और CBI के तीसरे यार ने सोडा की क्वालिटी पर एतराज जताया और सिसोदिया के गिरफ्तारी की मांग की। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली के सदन में हाल ही में आयोजित WWE मैच में करारी हार के बाद अमृतकार एंटरप्राइजेस के गौतम दास काफी कुंठित थे, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया। गुजरात के भावनगर जिले में एक महिला के अपनी शादी के दिन मौत के उपरांत उनके पार्थिव शरीर को कोल्ड स्टोरेज में रखकर उनकी बहन की शादी उन्हीं के होने वाले वर के साथ करवा दी गई। सूत्रों के अनुसार भारतीय समाज में बेटी बचाओ एक को स्पेयर बनाओ के इस पहल से कन्या भ्रूण हत्या में आने वाले कमी का स्वागत किया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना से वेडिंग प्लानर्स में शादी के दिन एक एक्स्ट्रा दुल्हन के कपड़े मेकअप और गहनों का खर्चा बढ़ने पर शादियों के GDP में उछाल को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं और साली आधी घरवाली के चलन के रहते वर पक्ष में भी इसका स्वागत किया गया है। खबर आ रही है कि अपने परिवार की इज्जत की फिक्र न करते हुए मरने वाली महिला की जगह अपने भविष्य को केवल संवैधानिक संभोग साथी ढूंढते पुरुष के हाथों सौंपकर परिवार की लाज रखने वाली उनकी बहन को इस साल के पुरुष प्रधान प्रतिष्ठान के संस्कृति सहेजक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देश में महिलाओं के बढ़ते सम्मान की खबरों की सूची में मेघालय से भी एक सूचना सुर्खियों में रही।
नवोन्मेषी और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के सुनहरे उदाहरण के रूप में उभरे पूर्वोत्तर का स्टेट ऑफ द आर्ट कोथा चलाने वाले महिला और बच्चा तस्करी के अभियुक्त बर्नार्ड मराख को आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट प्राप्त हुआ है। अपने घर से ही गरीब और बेसहारा बच्चों को जिस्म फिरोशी के साथ बम बनाने की ट्रेनिंग देने वाले 25 क्रिमिनल केस वाले मराक को एमएलए की टिकट के लिए ओवर क्वालिफाइड पाया गया, मगर उन्होंने दूरदर्शन को दिए एक बयान में कहा कि वे मेघालय के प्रधान सेवक हैं और यही कहकर महिलाओं और बच्चों की सेवा में एमएलए पेंशन लेकर रहना चाहते हैं। उनके बयान से राष्ट्रीय बलात्कारी संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सूत्रों के अनुसार वे मराक के चुनावी कैंपेन में हजरात 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 करते निकल पड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत भारत अब बलात्कारियों को परोल देने, गोदी मीडिया की स्वतंत्रता, सुसुधीर चौधरी की गिरती नीयत और चीन से छोटी होती जा रही इकोनॉमी के अलावा घरेलू गोला बारूद क्षेत्र में भी सबसे पहले पायदान पर पहुंच चुका है। इसका नजारा हाल ही में कोल्हापुर महाराष्ट्र में शिवरात्रि के अवसर पर देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने तलवार और गन के साथ साथ संपूर्ण रूप से घरेलू और भारतीय सनातनी बाजुके पुलिस की मौजूदगी में हजरत मलिक रेहान के दरगाह के दरवाजे पर दाग कर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। सूत्रों के अनुसार आने वाले गन की बात के खास प्रक्षेपण पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इसका उल्लेख करेंगे और 15 अगस्त 2023 में इन नवोन्मेषी भारतीय नागरिकों की नफरती बेरोजगार रेजिमेंट का भी घोषणा की जाएगी। अंत में एक जरूरी सूचना, पत्रकारिता में घटियापन के ऑस्कर से सम्मानित अमन विश्वखोपड़े पर NBDSA ने 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। NBDSA ने पाया कि विश्वखोपड़े ने अपने कई कार्यक्रमों से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में सीधा योगदान दिया है। इस फाइन के बावजूद विश्वखोपड़े की सामाजिक दायबद्धता न शर्म न लिहाज एक बार आया है गाती हुई लापता हो गई। सूचना मिलने पर संपर्क करें गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज, 110002। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।